एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, अभी शाम का टाइम है, 3:30 बज रहे और मौसम देख रहे, परसों जैसे बादल गरज रहे हो तो, और बारिश जैसी लग रही थी, बस वैसे ही मौसम है, आंधी सी लग रही। हम जलान जा रहे थे चूल्हा, तई की वजह से वेट कर रहे, थोड़ी हवा चल रही तो बंद हो जाए ताकि बाद चूल्हा जलाए। और मुझे थोड़ी बालों में प्रॉब्लम सी होने लगी, मतलब एयर फॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और वैसे हम आप लोगों को बताया था कि प्याज बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो रोज़ रोज़ आलस लगता है, उसका ऑनियन जूस निकालो, मतलब पीसो, फिर निकालो, फिर रोज़ रोज़। तो हम आज सोच रहे उसका तेल ही बना ले रहे और बढ़िया बनाएंगे, बहुत अच्छे से सर्च करके उसके बारे में अच्छे से जान के तब हम बनाने जा रहे और तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही। वैसे हम ऐसे शेयर भी नहीं करते, तो हम तो कल ही बनाने जा रहे थे, फिर कल नहीं फिर सुबह बनाने जा रहे थे, तो सिर्फ चले गए थे स्कूल। और वो जो खाने वाला नीम होता है उनके उसके पत्तों की मुझे ज़रूरत थी, तो मंदिर पे वो है, तो अभी सिब आए स्कूल से तब वो लेके आया, तो अब हम बनाएंगे। अभी सोच रहे ना थोड़ा मौसम सही हो जाए, अभी हवा बहुत तेज से लग रहा है, आंधी आएगी, ये निकल जाए उसके बाद फिर चूल्हा जलाएं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा तेल है, इसको आप लंबे बालों के लिए भी लगा सकते हैं, बाल मोटे करने के लिए भी, और बाल एकदम काले घने लंबे सब होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये अभी भाई आ गए, कहाँ थे अभी? हाय तो बोल लो अभी तो तो देखो, मतलब बाल लंबे हो या ना, लेकिन स्वस्थ होने चाहिए, बात ये है। और मेरे लंबे तो हैं लेकिन अभी पतले ज्यादा हो गए, तो सोच रहे वैसे ऑनियन जूस पे मैं बहुत विश्वास है, बाल मोटे हो जाएंगे अगर अच्छे से यूज करेंगे तो, और लंबे तो होंगे ही, जब मोटे होंगे स्वस्थ भी स्वस्थ होंगे तो फिर लंबे मोटे सब हो ही जाएंगे। अभी भाई क्या कर रहे हो तुम? क्या अभी पानी बस है क्या? नहीं बस है, ले हो बस है अभी कह रहे। तो बहुत ही अच्छा तेल बनाएंगे, और वैसे आप मार्केट से भी लेके आएंगे तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा, ऑनियन तेल प्याज का तेल जितना अच्छा ये घर पे बनाएंगे, बहुत सारी चीजों से बहुत अच्छे से सर्च करके और सोच समझ के तब बनाएंगे। और हम इतना बना के रख देंगे जो 1 महीने के लिए, तो फिर बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, बस आराम से अपना लगा लो जब बाल धुलो 2 घंटे पहले और बस ना लो। बहुत ही अच्छा तेल है, 1 महीने में ही रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। हम भी लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ऑनियन जूस भी मैं इसीलिए सोच रही थी कि मैंने उस दिन बोला था जब लगाया था कि हम रेगुलर लगाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा, एक तो इतना ज़्यादा काम होता है, घर का भी काम और फिर बहुत सारे काम हैं, टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए आज मैं सोच रही बस तेल बना के रख लूँ और इस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं तो बनाने जा रही फिर मैं सोच लिया चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, बहुत अच्छा है और उसका रिजल्ट भी आपको 1 महीने में पता चल जाएगा, तो आप लोग भी जरूर बनाएं। जिसको भी लंबे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए, देखो आपके पास मिक्सी हो तो और भी अच्छा रहेगा, वैसे मुझे तो सिलबटने से पीसना पड़ेगा इसीलिए मैं बना रही हूँ, रोज़ रोज़ परेशान हो जाती हूँ, तो अब सिलबटना धुलना पड़ेगा क्योंकि इस पर नमक मिर्च पीसा था, तो अच्छे से साफ करके रखेंगे। तो गाइस, मैं साबुन से साफ कर रही हूँ क्योंकि नमक मिर्च पीसा था, इसलिए बिल्कुल साफ अच्छे से करेंगे। एक में सवाल होता है दिया। दो यार आप सही हो ना? तो देखिए, इतना मैंने लहसुन ले लिया और ये 2 प्याज, तो प्याज बिल्कुल ऐसे ही लेने हैं, ये जो रेड रेड से आते वो ये करी लीव्स, खाने वाला जो नीम होता है उसी के पत्ते, तो इसके मैंने डंठल निकाल दिए हैं। और चलिए अब प्याज को पीसेंगे, सिलबटना मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो देखिए, प्याज मैंने काट लिया है और ये मैंने मेथी डाल के रख दी पानी में, तो इसको भी पीसेंगे। तो चलिए पहले पीस लेते हैं प्याज। तो देखिए, प्याज मैंने अच्छे से पीस लिया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर पिसे ना तो आप तेल डाल सकते हैं सरसों का,
तो देखिए लहसुन मैंने डाल दिया और ये करी लीव्स, अब इसको भी अच्छे से पीसेंगे और ये मेथी दाना भी डाल देंगे। तो अब अच्छे से पीस लेंगे, इसी में प्याज में मिक्स कर लेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और अब कटोरी में रखेंगे, और आप मिक्सी से भी पीस सकते हैं तो और भी जल्दी पिस जाएगा। मुझे तो बहुत टाइम लग गया सिल बटने से। तो ऑनियन जूस हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है तो उसकी वजह से हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, रूट्स, और बाल कभी सफ़ेद नहीं होते हैं। और बाल, और ये भी सच है कि प्याज से बाल दोबारा उग जाते हैं अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो। फिर बनाते हैं तेल। और मेथी दाने के भी बहुत ही फायदे हैं, इससे से बाल रूखे हो जाते हैं तो बहुत ही बाल सिल्की सिल्की से हो जाएंगे, और इससे भी बाल मोटे होते हैं, बाल लंबे भी होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों का यूज किया है। तो गाइस हम बहुत सारी केमिकल यूज करते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह या ये डाई वगैरह, तो इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ही डैंड्रफ हो जाता है बालों में, कभी कभी मतलब इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है। तो उसके लिए करी लीव्स बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये भी डाला है। तो देखिए लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैंने सभी वो जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया, ये डाल दिया सरसों का तेल। तो अब डालेंगे इसमें नारियल का तेल, तो ये मैंने नारियल का तेल डाल दिया और सरसों का तेल पहले डाल दिया, और भी तेल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और कोई एक तेल भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो मैंने नारियल का तेल डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे अरंडी का तेल, जैसे गांव में तो अंडी का तेल बोल देते हैं ऐसे। तो अरंडी का तेल बहुत ही फायदेमंद है, अगर आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे, मतलब वहीं पर एकदम जम गए हैं, तो आप ज़रूर अरंडी का तेल यूज करना, इससे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, मतलब हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने भी ये डाल दिया, वैसे तो मेरे तो बढ़ते हैं लेकिन फिर रखा था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ज़्यादा नहीं था। अगर आपको बाल लंबे करने बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे तो आप अरंडी का तेल ज़रूर डालना। तो ये भी मैंने डाल दिया। अब इसको पकाएंगे कम से कम 20-25 मिनट तक, और बिल्कुल धीमी आँच में पकाना है, अगर तेज़ आँच कर दी तो जल जाएगा और तेल भी एकदम फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल अगर गैस पे बनाए तो बिल्कुल धीमी गैस कर देनी है, हम तो चूल्हे पे पका रहे हैं, तो बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल आग नहीं जला रही हूँ, बिल्कुल चलो धीरे धीरे इसको पकाना है। तो गैस इसको 20-25 मिनट तक पकाना है, और सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, मुझे कम लग रहा था इसलिए। देखो जाए खुशबू अच्छी लग रही, खाई है तो साहिल का थी, मेरे भी बनाए दिया मुँह बड़ी बार करें, और साहिल के कुल लम्बे हैं, देखिए अपने साहिल, हाँ इतने ही तुम्हारी भी अच्छी लगा, जब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी वजह। तो देखिए अच्छे से पक चुका है, अब इसको कढ़ाई को नीचे उतारेंगे। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर छानेंगे। आमला जैसी माँ खाता है सही में, तिलक देखा तिलकदारी को देखा। तो गाइस अब इसको कपड़े से छान लेंगे, तो वही मैं छान रही हूँ। और आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं, वैसे मैंने भी काफ़ी बना लिया, एक महीने तक तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि मैं तो हफ्ते में दो बार बाल धुलती हूँ, तो जब धुलेंगे तभी यूज करेंगे। तो देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से निकाल दिया, अरे तेल और कुएं में काम कर दिया, गर्म हल्ले करवा था, देखो अबू निकल निकल दो। तुम जरूर काय करने में। तो देखिए तेल अच्छे से निकाल दिया है, और अब इसको यूज भी कर सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। तो देखिए तेल को छान लिया है, और अब अरे और अब इसमें डालेंगे ये विटामिन ई कैप्सूल, चार हैं, दो भी डाल सकते तीन, हम तो चार डाल रहे। तो देखिए तेल को मैंने पलट के रख दिया है गिलास में,
और आप किसी डिब्बे में रख सकते, मेरे पास थी नहीं इसलिए। तो गाइस ऐसे आप ऑनियन जूस लगाते तो शायद कम फ़ायदा होता। अब इसमें आपको पता है क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाल ज़रूर लंबे होंगे। आप लोग ज़रूर यूज करना। और मैंने इसमें डाल दिए विटामिन ई कैप्सूल 4 डाले हैं, और इसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं जिससे बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छा। और गिलास में मैंने रख दिया क्योंकि मेरे पास कोई डिब्बी है नहीं कांच की, नहीं तो उसी में रख देते, इसलिए मैंने गिलास में रख दिया। अब इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। वैसे भी अभी कांच में रखा था जो मैंने पेस्ट बनाया था, तो वो कटोरी थी फूट गई और उंगली में और लग गई थी, बहुत तेज खून निकल रहे हो। तो अब गिलास में ही हमने रख दो, अच्छे से रख लिए। और जब इसको लगाना हो तो थोड़ा सा गर्म कर लो, मतलब थोड़ा सा गुनगुना करके, और लगा लो बालों में शाम को, मतलब पूरी रात भी रख सकते हैं, और नहीं तो बाल धोने से 2 घंटे पहले लगा लो, और फिर इसका रिजल्ट देखना 1 महीने में। हाँ रिजल्ट देखो, साहिल साहिल ने लगा लो, देखियो साहिल के सवेरे बाल लंबे हो जाए, पूरे धरती तक आ जाए। आप करेंगे जो देखो कढ़ाई उड़ाई सब रखी, और मम्मी खेत पे हैं, अभी गेहूं कट रहे, तो बर्तन साफ कर ले, और चावल बने, कढ़ी रखी हैगी, और तेल एकदम बहुत ही मस्त बना के मैंने रख दिया। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, और फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर भी करना आपको कैसा लगा, और हम भी बताएंगे। वैसे भी मैंने फर्स्ट बार बनाया तो सारी चीज़ एकदम मस्त हैंगी। और वैसे तो ऑनियन अकेला लगाती है क्योंकि मैं तेल लगाती हूँ, तो सारी चीज़ें आज मैंने मिक्स कर दी हैं, तो एकदम मस्त बन गया है। और अन जाइए लाइब्रेरी तक, वे देखो खड़े साइकिल पे, तो हम बना ले जल्दी खाना। और अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो वो जड़ने भी बंद हो जाएंगे। बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब लंबे नहीं हो रहे हैं, तो लंबे भी होने लगेंगे, और उसी वगैरह इन्फेक्शन वगैरह कोई, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी, और बाल लंबे ज़रूर होंगे। और जब बाल स्वस्थ होंगे तो लंबे भी होंगे, मोटे भी होंगे। तो चलिए बर्तन साफ कर लें, फिर हम भी लगाएंगे आज, और हम तो पूरी रात रखेंगे, सुबह बाल धुल लेंगे। जे आइए अनुज, हाय बोल दे अनुज, आए। सही बज गए हैं 8, और अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी, और देखिए अनुज खा रहे हैं चावल, तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और हम भी अभी लगाएंगे बालों में तेल जो अभी मैंने बनाया है, और सुबह फिर हेयर वॉश करेंगे। तो आपको कैसा लगा आप लोग भी बताना कमेंट में, ठीक है? तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक से जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।